हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज द टर्न फॉर कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन को हम कैसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, तो लेट्स स्टार्ट कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए मैं तीन सेट लेता हूं ए बी सी। तो पहला केस रहेगा मेरा, ये एग्जाम्पल से समझते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू। पहला सेट है ए, एलिमेंट है इसके अंदर ए बी सी। दूसरा सेट है बी, एलिमेंट है एल एम एन। तीसरा सेट लिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन एफ है ए टू बी, ये हो गया अपना फंक्शन एफ। फंक्शन जी है बी टू सी, बी टू सी, ओके। तो मैं अगर बोलूं कि एफ ऑफ ए क्या होगा एल, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी एल, तो यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एल, एफ ऑफ बी किसके इक्वल है एम के, ए एल से रिलेटेड, बी एम से, सी एन से, और बी टू सी में बी पी एल पी से, एम क्यू से, एन आर से। एफ ऑफ बी क्या होगा एम, एफ ऑफ सी क्या होगा एन, क्लियर है। एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ, जी ऑफ एल क्या होगा पी, जी ऑफ एम क्या होगा क्यू, और जी ऑफ एन क्या होगा आर, क्लियर। अब मुझे निकालना है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, जी ओ एफ, जी ऑफ या सिंपल ओ लिख देते हैं, जी ओ एफ मतलब जी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगा कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जी एफ एक्स, तो जी एफ ए, जी एफ ए कैसे फाउंड करेंगे हम, एफ ए की वैल्यू क्या थी हमारी एल, तो ये हो जाएगा जी एल, और जी एल की वैल्यू क्या है पी, ओके। तो जी एफ बी, जी एम वैल्यू क्या हो क्यू, जी एफ सी, जी एफ सी वैल्यू क्या हुई एफ सी, वैल्यू क्या है एन, तो एफ सी की जगह हमने एन रख दिया, और जी एन की वैल्यू है आर। तो जी ओ एफ, जी ओ एफ क्या हो जाएगा अपना पी क्यू आर। तो जी ओ एफ इज डिफाइंड हेयर। दूसरा केस लेते हैं, केस टू, सेम फंक्शन ए बी सी, सेम फंक्शन, सेम सेट लिए हमने ए बी सी। तो ए में एलिमेंट लेता हूं मैं ए बी सी डी, बी के अंदर एलिमेंट है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। केस टू लिया हमने, इन तीनों केस से आपको ये जी ओ एफ कंपोजिट फंक्शन समझ आ जाएगा। सेट ए, ए बी सी डी, सेट बी एल एम एन ओ, सेट हमने वही रखे हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होगी, पी क्यू आर एस। यहाँ फंक्शन एफ है ए से बी में जा रहा है, फंक्शन जी बी टू सी में जा रहा है, यहाँ बी सेम पोजीशन एफ, और यहाँ बी सेम पोजीशन जी। तो चेक करते हैं क्या सेकंड केस में कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड है। कंपोजिट फंक्शन क्या होगा हमारा जी ओ एफ, चलिए एफ ऑफ ए एल, एफ ऑफ बी एम, एफ ऑफ सी एन, और एफ ऑफ डी है ओ, ठीक है। ये इससे रिलेट कर दिया, ये इससे रिलेट है, ये इससे और ये इससे, यहाँ रिलेशन ये है, यहाँ रिलेशन ये है, यहाँ रिलेशन ये है, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं हम, इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। इस केस में जी ऑफ एल क्या होगा हमारा,
जी ऑफ एल पी, जी ऑफ एम क्यू, जी ऑफ एन आर, जी ऑफ ओ एस। ठीक है, अब यहाँ जी ओ एफ फाउंड करते हैं, तो जी ओ एफ कैसे फाउंड करेंगे हम, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी एफ ए, जी एफ ए क्या वैल्यू देगा हमें, जी एफ ए वैल्यू देगा हमें, एफ ए की जगह क्या पुट कर देंगे हम एल, जी एल, जी एल की वैल्यू होती है पी, जी एफ बी, जी एम वैल्यू क्या देगा क्यू, जी एफ सी, जी एन इक्वल टू आर, जी एफ डी, जी एफ डी इक्वल है किसके, जी एफ डी की जगह किसको रखेंगे हम जीरो को, जी सॉरी ओ को, तो जी ओ की कोई वैल्यू नहीं है, जी ओ कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब जी ओ एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स जी ओ एफ इज नॉट डिफाइंड हेयर, जी ओ एफ इज नॉट डिफाइंड हेयर। ठीक है, इस केस में देखते हैं एफ ऑफ ए एल, एफ ऑफ बी एम, एफ ऑफ सी एन, ठीक है एफ ऑफ डी है ही नहीं, एफ और जी ऑफ एल पी, जी ऑफ एम क्यू और जी ऑफ एन आर। ठीक है, अब यहां निकालते हैं कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एफ ए क्या वैल्यू देता है, जी एल किसके इक्वल है पी के, जी एफ बी इक्वल टू जी एम क्यू और जी एफ सी जी एन आर। ठीक है, फंक्शन स्टॉप हो गया, इट मीन्स जी ओ एफ इज डिफाइंड हेयर, जी ओ एफ क्या आया आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो जी ओ एफ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यह एक बहुत क्लियर बात आपकी निकल के आती है कि जी ओ एफ किस केस में डिफाइन हो रहा है, जी ओ एफ डिफाइन होगा इफ रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या है एलिमेंट, इफ रेंज ऑफ एफ और ये जो सेट है आपका बी सेट, ये जी के लिए क्या है डोमेन, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि इफ रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट, इज द सबसेट, ये क्या हो गया सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होता है। इस केस में भी सेम यही पोजिशन है, यहां ये पोजिशन नहीं है, ओके तो यहां जी ओ एफ डिफाइंड नहीं होता, क्लियर, दिस इज क्लियर। तो अगर हम डेफिनेशन पार्ट की बात करें तो कंपोजिट फंक्शन की डिफाइन क्या होगी, कोई भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होगा जी ओ एफ, कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ इज डिफाइंड when range of f is the subset, is the subset of domain of function g, क्लियर। तो ये रहा आपका कंपोजिट फंक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, इनवर्टेबल फंक्शन, ओके नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके बाय बाय, थैंक यू, शाम को मिलते हैं।